बैक टू द चैनल। सुबह का वक्त हो रहा है और भाई पता है अभी ना समथिंग 5 बज रहा है, मैं जा रहा हूँ न्यूज़पेपर लेने के लिए, पर लाइटिंग देख के ना भाई दिल खुश हो गया। मैं कल भी सुबह था, तो कल भाई कल मैं ना महाराजपुर में था, लेकिन अभी मैं हूँ अपने एरिया जा रहा हूँ, मतलब कि पेपर नहीं उठाया, उठाने के बाद मस्त भाई सुबह सुबह ठंड कम है, उतनी नहीं जितनी लगनी चाहिए, उतनी ठंड तो नहीं लग रही है, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। शायद बहुत कुछ बात है। तो भाई सबको राम राम, और सुबह का 5 बज रहा है और मैं अभी जा रहा हूँ दैनिक भास्कर का पेपर लेने के लिए। तो भाई इतने सारे बंडल रखे हैं, पर्चा है का हमारा ही बंडल है ये, आज का पेपर रोजगार दिवस है, काहे को रोजगार दिवस, यार उत्तर भारत में 4 दिन बर्फबारी होगी, मनाली को है गजब लग रहा है यार, पर स्नोफॉल हो रहा होगा। उत्तर भारत में 123 साल बाद दूसरी बार जनवरी में सबसे कम बारिश, हिंदू पिकनिक स्पॉट नहीं है, गैर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, कोर्ट। तो भैया रख लो यार पेपर, मेरा बंडल और ये थैला है, और ये हमारे दैनिक भास्कर ऑफिस का बोर्ड, कोई नहीं आएगा भैया इतने बजे, आज सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 बजने वाला है, 6:00 हो रहा है, बहुत कम लोग हैं जो देखने को मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अभी मैं जाऊँगा ना भाई गोकुल धाम सोसाइटी, 18 की 20 पेपर है, हेलो गोकुल धाम सोसाइटी में गार्डन में, मतलब यहाँ थोड़ा बहुत पेपर जा रहा है, मेरा यहाँ पे एक गया है अभी, दो टोटल ना भाई 18 पेपर जाएंगे, और अभी सुबह के ना 6:00 हो रहा है, पर अभी भी अंधेरा है, और मेरे पास कितना पेपर बचा है बताऊँ, मेरे पास 50 पीछे रखे हैं, और थैले में जो पेपर रखा है थैले में, तो ही बांट लेता हूँ, ठंड नहीं है आज उतनी जितनी रहती थी, तो अंधेरे में तो कुछ देखेगा ही नहीं, दिखा देता हूँ बैक कैमरा ऑन कर। सोसाइटी अंदर साइड आ गए हैं, ये गार्डन है इस तरह पूरा, और ये मंदिर लाइट जल रही ना भाई, अभी यहाँ से डालते जाते जाते हैं अपन को शिक्षक कॉलोनी निकलना, फिर खेरवाई, फिर वहाँ से ना वापस रिटर्न जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आंगन तेरा साइड कच्ची सड़क पक्की सड़क, उसके बाद रेलवे स्टेशन रोड है ना, तो पहले जितने पेपर मेरे पास 80 पेपर बचे थैला में, और पीछे बचा 50 पेपर, जो सुबह सुबह कोई उठता नहीं है, अभी तो मैं पेपर बांट रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ लोग मिल जाएंगे जो जल्दी उठ जाते हैं भाई जाना यार, और ये है मेरी साइकिल, यहाँ से डालना वहाँ तक जाना पेपर, क्योंकि कम है ना, बहुत कम ठंड है अभी, क्या है शायद सीजन के हिसाब से, जो मैं महाराज जी और बाबाओं से मिला भाई बहुत अच्छा लगा, और ये जो सफ़र उनका अच्छा हो, सुखदमय हो, कुछ लोग होशंग, कुछ बाबा ने महाराज लखना दौंदिया होशंगाबाद से, उन्होंने पता है नर्मदा परिक्रमा का जो उठाया था, और एक बरमान से था भाई, और बरमान से उठाया तो बरमान जाएगा, तो यार बहुत अच्छा लगा उनको देख के, मज़ा आ गया, लाइफ ऐसी होनी चाहिए भाई, घूमने के लिए मिल रहा ना साइकिल से निकल जाओ, और भाई सब मिडिल क्लास गरीब घर से थे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हो ना तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और भी ऐसी इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। तो आज बस के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।